This one is the last part of this paper in which we discuss section D and section E. Section D includes two case based problem. The question number 29. In this, certain informations given on azeotropic mixture, and on the basis of all these informations, some problems are arises, and we are going to write answer of all these problems. The first problem is, why do ethanol and water show positive deviation from Raoult's law? तो इसमें क्या है कि जो इथेनॉल है इसको जब लिखते हो C2H5OH इस तरीके से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो वाटर है इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको पता है कि जब दो इंटरेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जब हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक नया इंटरेक्शन जनरेट होता है, और जब नया इंटरेक्शन जनरेट होगा तो इसको नेगेटिव डेविएशन शो करना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके पीछे रीजन क्या है आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों केस में नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के अंदर है, लेकिन जो एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब हम एल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है, और जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको कर देता है ये वीक, और इसी वीकनिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम होता है इनका इंक्रीज हो जाता है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर लेता है। इसका बी पार्ट है, व्हाई डू वाटर एंड HCl फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ है, इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ होगा, मतलब कि नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं आपसे पूछ रहा है ये। तो वाटर अभी हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, और HCl के अंदर क्या है, डाइपोल क्रिएट हुआ है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एच एंड सी एल इज वेरी हाई। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो इसका डाइपोल इंटरेक्शन और इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में इंटरेक्शन पहले से था तो इनके बीच में नया इंटरेक्शन जनरेट हो जाता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर लेता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा। इसमें सी के दो पार्ट हैं, जिसमें पहला कह रहे हैं व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, आप कोई भी एक मिक्सचर ले लो जिसके अंदर मान लो दो कंपोनेंट हैं, तो ये जो मिक्सचर होगा इसमें इनका कंपोजिशन अलग अलग होगा, इनको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं, यानी इनको हम लोग जब हीट करेंगे तो इनका वेपर बनेगा, जिसका वेपर पहले बनेगा उसको हम वेपर फेज में यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, और जिसका वेपर लास्ट में बनेगा वो लिक्विड फेज में यहाँ पे ही पड़ा रहेगा, उसको यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर आपके पास होता है जिसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं उनका जो वेपराइजेशन होता है वो रेट सेम रहता है, मतलब दोनों के वेपर सेम रेट से बनते हैं, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो कंपोजिशन इसका वेपर फेज में आएगा वही कंपोजिशन इसका लिक्विड फेज में भी रहता है, इसी को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। मींस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स विच शो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, और जब ऐसा होगा तो उसको ना तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर पाओगे ना तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसलिए किसी मेथड से इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हाउ आर एजियोट्रॉप सेपरेट, जब आप ऐसे डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट नहीं कर पाओगे फिर कैसे सेपरेट कर पाओगे। तो इसमें हम लोग करते क्या है, कुछ मटेरियल इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और उस मटेरियल को हम लोग डिस्टिलेटिंग मटेरियल बोलेंगे, जिसमें आप बेंजीन ऐड कर सकते हो, ईथर ऐड कर सकते हो, एसीटोन ऐड कर सकते हो। तो करता क्या है, इन दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा शो करेगा, तो एक के साथ जब इंटरेक्ट कर लेगा तो दूसरा आसानी से ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, इसलिए एक का वेपर ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए कंपोजिशन इनका वेपर फेज में बदल जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गया इसका सी वाला पार्ट, अब इसी सी का यहाँ पे आर पार्ट दिया हुआ है, तो ये एक न्यूमेरिकल है, चलो इसको देखते हैं। If P not A equal to 450 mm and P not B equal to 200 mm, then what is the mole fraction of A in vapor phase? यहाँ मोल फ्रैक्शन 0.3 A का दिया हुआ है, और जब इसको काई से लिखा जाएगा तो ये लिक्विड फेज में होता है, आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताना है। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताने के लिए आपको चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर, तो सबसे पहले आपको पी ए और पी बी निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी होता है पी नॉट बी एक्स बी, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो। तो पी नॉट ए है 450 और एक्स ए है 0.3, इसको सॉल्व कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 135। सेम ऐसे इसको कर लो, पी नॉट बी की वैल्यू है 200, और यहाँ से काई ए अगर 0.3 होगा
तो काई बी की वैल्यू आपको मिलेगी 0.7, इंटू 0.7 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 140। अब यहाँ पे जो लिखते हैं वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन, उसमें लिखते हैं वाई ए इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू है 135 और यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 11275। और इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो इसका आंसर आता है 0.49। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में 0.49 होगा। बी यहाँ पे पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो आप वन में से इसको माइनस कर देते, 0.51 आंसर होता। ये आंसर आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, आप पार्शियल प्रेशर बी का ऊपर लिखते मतलब 140 डिवाइडेड बाई करते 275, तब भी ये आंसर आपको मिल जाता। ठीक, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक प्रॉब्लम दिया गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बेस पे, इसी पे बेस कुछ आंसर यहाँ पे आपको करने हैं। ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का दिया गया है, ये फिगर आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसा है। तो चलो इस फिगर्स कोई खास मतलब भी नहीं है, आपको चाहिए इसका क्वेश्चन और इसका आंसर। तो इसमें पहला है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये क्या होता है इसको देख लो, जब आपके पास कोई भी डीजनरेट डी ऑर्बिटल होता है तो उसमें क्या होता है सभी डी ऑर्बिटल जो पांच होंगे उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, जिसमें से जो तीन ऑर्बिटल होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये होते हैं एक्सिस के बीच में, और जो दो होते हैं डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, ये होते हैं ऑन द एक्सिस, इनके लोब ऑन द एक्सिस होते हैं। तो जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तो इनकी बॉन्डिंग होती है लीगेंड के साथ, तो लीगेंड अपने लोन पेयर के साथ अप्रोच करता है मेटल की तरफ, और जो ये अप्रोच होता है वो होता है ऑन द एक्सिस। तो जो लोब इसके एक्सिस पे होते हैं उनके साथ इसका जो इंटरेक्शन होता है वो फेस टू फेस होगा। तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन और इस मेटल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन ऑन द एक्सिस ज्यादा होगा, इसलिए जो लोब ऑन द एक्सिस होते हैं उनको रिपल्सन ज्यादा मिलता है और जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको रिपल्सन कम मिलता है। इसलिए पूरा जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो एक पार्ट जिसको कम एनर्जी मिलती है क्योंकि इसको रिपल्सन कम मिला, उसमें इन बिटवीन द एक्सिस वाले तीन ऑर्बिटल आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टी टू जी, और यहाँ पे जिनको एनर्जी ज्यादा मिल जाती है उसमें दो ऑर्बिटल आते हैं जिनको बोलते हैं ई जी। तो यही टी टू जी और ई जी के बीच में जो एनर्जी गैप है इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लो एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल मीन्स टी टू जी एंड हाई एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल मीन्स ई जी। इसका बी पार्ट है वाई डी एक्स टू वाई टू डी जेड टू हैव हाई एनर्जी देन डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इसका आंसर यहाँ पे हो चुका है, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इसलिए इनको रिपल्सन कम मिलता है, इनको रिपल्सन ज्यादा मिलता है, इसलिए एनर्जी गैप इनके बीच में आ जाता है। इसका सी का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब कि यहाँ पे जो लिगेंड होगा उतना ही स्ट्रांग लिगेंड होगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और जहां पे इनके बीच में गैप कम रहेगा वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, यही आपको लिखना है। इसका बी पार्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी फाइव आयन इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग। जब डेल्टा ओ पेयरिंग से कम रहेगा तो इसका मतलब होता है कि जो टी टू जी और ई जी के बीच में गैप है वो कम है, और जब गैप कम रहता है तो तीन इलेक्ट्रॉन टी टू जी में आने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाता है ई जी में, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको लिखोगे टी टू जी थ्री और ई जी में दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका टी टू जी में पेयरिंग होता, अभी पांच इलेक्ट्रॉन है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन यही लिखना है। इसी का आर पार्ट कह रहा है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थियरी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दिस आल्सो कैलकुलेट डेल्टा ओ वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बेस पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है सेंट्रल मेटल आयन इसका। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आयरन है तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d6 और 4s2, फिर आयरन यहाँ पे प्लस 3 स्टेट में है इसलिए प्लस 3 का लिखोगे 3d5।
तो यहाँ पे जब D5 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो आपको कुल 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अनपेयर्ड, ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम। जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे होगा वो होता है एन एन प्लस टू, तो हो जाएगा 5 × 7 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कैलकुलेट करो डेल्टा ओ की वैल्यू, तो डेल्टा ओ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, एक फार्मूला है डेल्टा ओ इक्वल टू −0.4 × इलेक्ट्रॉन ऑफ टी टू जी प्लस 0.6 × इलेक्ट्रॉन ऑफ ई जी, यही करना है। तो यहाँ पे माइनस साइन इसे लगाते हैं क्योंकि जो पेरेंट होता है उससे इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे D5 का, तो इसके साथ जो लिगेंड लगा हुआ है वो है आपका क्लोरीन, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा नहीं, इसलिए 5 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें T2G में 3 जाएगा और EG में 2। तो आप लिखोगे यहाँ पे −0.4 × 3 प्लस 0.6 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा −1.2 और +1.2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो हो गया पूरा आपका सेक्शन डी। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है 31। यहाँ पे कुल 7 पार्ट दिए गए हैं जिसमें से कोई 5 आपको करना है, ये सारा डी ब्लॉक से है, चलो देख लेते हैं हम लोग। पहला है व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन इन थैल्पी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट हायर देन द 3D एंड 4D सीरीज एलिमेंट। अब आपको पता है यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो 3D के बाद 4D और 5D होते हैं उनका जो साइज होता है लगभग एक जैसा हो जाता है। जो 5D है इसकी जो साइज है वो इन दोनों के कंपेयर में थोड़ी सी छोटी होती है, और जब साइज छोटी होगी तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेगा, यानी इंटरेक्शन इसका न्यूक्लियस साथ ज़्यादा रहेगा, इसको फिर रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक। ये इसका बी पार्ट है, राइट द आयनिक इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सेकेंड सॉल्ट बाई SD5 डाइक्रोमेट सोल्यूशन। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाइक्रोमेट आयन लिखते हैं Cr2O7 पे 2-, और एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव करता है तो कन्वर्ट होता है Cr3+ में, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ पे 7 हमको वाटर जोड़ना होता है, और दूसरी तरफ जितना हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना हाइड्रोजन जोड़ना होगा, इसलिए 14H+ लिख दिया। अब हम लोग दोनों तरफ चार्ज बराबर करेंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपको 6+ दिख रहा है, और यहाँ पे टोटल चार्ज आपको दिख रहा होगा 12+, इसलिए आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख देना है, ये पहला हो गया। अब इसी में जो ऑक्सीडेशन करना था वो आयरन सेकेंड का करना था, और आयरन सेकेंड आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन थर्ड में जाएगा, ये हो गया। इसमें आपको एलिमेंट बाकी कोई बैलेंस करना है नहीं, बस चार्ज बैलेंस करेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये चार्ज बराबर हो गया। अब इन्हीं दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दोगे तो आपका ओवरऑल रिएक्शन जो पूछा हुआ ये हो जाएगा, लेकिन जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना होता है, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 सेकेंड वाले को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दोगे, बाकी सबको जोड़ दो तो हो जाएगा Cr2O7P2- प्लस 14H+ प्लस 6Fe2+ चेंज इनटू 2Cr3+ प्लस 6Fe3+ प्लस 7H2O। तो ये आपका पूरा बैलेंस रिएक्शन होगा ये बी पार्ट का। अब चलते हैं हम लोग सी पे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ न्यूट्रल आर फेंटी एल्केलाइन पर मैग्नेट सोल्यूशन ऑन आयोडाइट गिव इक्वेशन। ये भी इसी के जैसा ही है, अब यहाँ पे आपको यूज करना है पहले तो पर मैग्नेट और दूसरा एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में इसका क्या रिएक्शन होगा अब हम उसको चेक करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पर मैग्नेट आयन MnO4 पे माइनस, और एल्केलाइन मीडियम में ये चेंज होता है MnO2 में, तो चलिए पहले इसको बैलेंस करेंगे, और आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको याद रखिएगा। तो मैग्नीज दोनों तरफ 1 है चलेगा, ऑक्सीजन इधर 4 है इधर 2 है, तो बेसिक मीडियम में जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ना पहले उधर उतना ही वाटर जोड़ देते हैं, 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है 2 वाटर जोड़ दिया, और दूसरी तरफ उसका डबल हम लोग जोड़ते हैं OH, तो 4OH- जोड़ देंगे, ये आपका बैलेंस हो चुका है सारा एलिमेंट। अब चार्ज देखना है,
तो यहाँ पे टोटल फोर माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो पहला रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं आयोडाइड पे। तो जो आई माइनस है इसमें बेसिक मीडियम में चेंज होता है आई ओ थ्री माइनस में, इसको बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम बैलेंस करना है तो फिर वही रूल रहेगा आपका, थ्री ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है तो आपको इसी तरफ पहले थ्री वाटर जोड़ना है, उसके बाद यहाँ पे सिक्स ओ एच माइनस जोड़ना है। अब हम लोग चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया माइनस सेवन, यहाँ पे माइनस वन है तो आपको सिक्स इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए इसलिए पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देना है टू और दोनों को जोड़ देना है। तो पहले इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करके हम दोबारा लिख रहे हैं, तो लिखोगे टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस फोर एच टू ओ प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन चेंज इन टू टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच माइनस। अब इन्हीं दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दो, ये हो गया टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस आई माइनस, वाटर यहाँ पे कुल चार है, यहाँ पे तीन, तो यहाँ का वाटर कैंसिल कर देंगे, इधर एक वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे। साथ में यहाँ पे सिक्स ओ एच माइनस है, यहाँ पे एट ओ एच माइनस है, तो इधर का ओ एच हटा देंगे, इधर टू लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आई ओ थ्री माइनस प्लस टू एम एन ओ टू प्लस टू ओ एच माइनस, ये बैलेंस हो चुका है। तो आपको ये लिखना है सी वाले में। तो ये आपको रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस करके ऐड करना आना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रहे तो लिख सकते हो, रिएक्शन याद बहुत ज़्यादा रहता नहीं है इसलिए आप इस तरीके से इसको बैलेंस करोगे। चलो इसके डी पार्ट पे आते हैं। बोथ ओ टू एंड एफ टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा आ जाता है। बट द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डू सो एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। नो डाउट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी साइज बड़ी छोटी है, और साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को इंट्रैक्ट ये करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काज करता है, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एबिलिटी शो करता है वो ऑक्सीजन शो करता है, ठीक है। इसका ई पार्ट है। द ई नॉट एम टू प्लस टू एम फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर इज द ओनली मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शोइंग दिस बिहेवियर। मतलब कि केवल कॉपर ही थ्री डी सीरीज में ऐसा है जो पॉजिटिव ई नॉट सेल की वैल्यू शो करता है, और ऐसा क्यों करता है ये आपको रीजन बताना है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बहुत सारी अलग अलग एनर्जी का सम होता है, उसी में आपका हाइड्रेशन इंथैल्पी आता है, लैटिस इंथैल्पी आता है, आयनेशन इंथैल्पी आता है, यानी बहुत सारी इंथैल्पीज का ये सम होता है। तो उसी में जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ये कॉपर का बहुत कम होता है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जब कम रहेगा तो टोटल एनर्जी इसकी कम हो जाती है, और इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। तो इसके आंसर में बस आपको लिख देना है कॉपर शो द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर इज वेरी लेस। इसका एफ वाला पार्ट है। एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट अ मच लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन द लैंथेनॉइड। अब एक्टिनॉइड के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो 5f में होता है, 6d में होता है और 7s में होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो 5f, 6d और 7s है इनकी एनर्जी लगभग एक जैसी है, और जब एक जैसी एनर्जी होगी तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका, सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में जाने के वो ज्यादा होते हैं, इसलिए मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक। चलिए इसका जी पार्ट। द सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर दिस रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ Mn। अब Mn का जो सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी है वो क्रोमियम से कम है, ये क्यों कम है इसका रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रोमियम और मैग्नीज को डिस्कस करते हैं। जो क्रोमियम होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d5 और 4s1, और इसमें लिखोगे 3d5 और 4s2। अब यहाँ पे दोनों का जब हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करना है, तो ये 3d5 हो जाएगा, और Mn फर्स्ट लिखोगे तो ये हो जाएगा 3d5 और 4s1। तो अगर इन दोनों को चेक करोगे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होने नहीं देगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ अब ये अनस्टेबल है, 4s का इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है इसलिए इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो आयनेशन एंथैल्पी सेकेंड वाला होता है वो क्रोमियम का ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इसमें गिव रीजन लिखना है। फर्स्ट,
एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट. जो एनिलीन होता है उसका जब आप कर देते हो एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन कर दोगे तो यहाँ बनता है NHCO और CH3. तो जो लोन पेयर यहाँ पे बेंजीन पे डीलोकलाइज होना था, अब ये इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से शिफ्ट हो जाता है कार्बोनिल कार्बन की तरफ, इसलिए यहाँ पे इसका जो प्रमोशन होता है बेंजीन रिंग पे वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये क्या करता है इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है. यही आपको लिख देना है. सेकेंड वाले में CH3NH2 हैज लेस PKB वैल्यू देन दिस. अब यहाँ इन दोनों को चेक कर लो, एक आपके पास है CH3NH2 और एक है बेंजीन पे NH2. अब CH3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और बेंजीन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाए, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नाइट्रोजन पे ये बढ़ाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा. और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उसका PKB कम रहता है, इसलिए इसका कम रहेगा और इसका ज़्यादा रहेगा. तो यहाँ बोला हुआ है कि ये CH3NH2 का PKB कम क्यों होता है, ये रीज़न आपको लिख देना है. ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग. ऑल्दो NH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन. तो इसका रीज़न क्या है, जब एनिलीन का आप कराते हो नाइट्रेशन तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आर्थो पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन इसके साथ ही मेटा पे भी नाइट्रो ग्रुप का प्रोडक्ट देता है और खूब अच्छे परसेंटेज में देता है, लगभग 47%. तो ऐसा क्यों करता है उसी का रीज़न ये पूछ रहा है. तो ऐसा क्यों करता है, जब नाइट्रेशन आप कराते हो तब यूज करते हो कंसनट्रेट HNO3 के साथ कंसनट्रेट H2SO4, और जो कंसनट्रेट H2SO4 है वो इस बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कर जाता है और बनाता है एक आयन जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन. तो एनिलीनियम आयन बना लेगा तो इस वजह से क्या होता है, जो एनिलीनियम आयन है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, और जब मेटा डायरेक्टिंग होगा तो मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, इस वजह से ये आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है. ठीक, इसका बी पार्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल एनिलीन एंड एन डाई मिथाइल एनिलीन बाई हिंसबर्ग टेस्ट, एक्सप्लेन विद सुटेबल रिएक्शन. तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करते हैं, एंड हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग पे लगा रहेगा SO2 और Cl. जब इसी का आप रिएक्शन कराते हो किसी भी अमाइन के साथ तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो Cl के साथ HCl के फॉर्म में बाहर हो जाता है और ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा. तो कैसे अटैच होगा, बेंजीन SO2 के साथ N और यहाँ पे R आता है और इस N के साथ जो R लगा रहे या H लगा रहे वो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड. तो यानी कि बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है जो कि होता है वाटर इनसॉल्युबल, और जब वाटर इनसॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये मिलेगा. तो अब यहाँ पे ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, उसका 3 अलग अलग हिसाब है. वो क्या हिसाब है, जो 1 डिग्री अमाइन होता है वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा तो उसके अंदर जब आप कोई एल्कली डाल देते हो तो एल्कली में डिजॉल्व हो जाता है, जो 2 डिग्री वाला होगा एल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा, और जो 3 डिग्री वाला होता है वो यही रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे Cl के साथ बाहर होने के लिए H का होना जरूरी है अमाइन में, और जो टर्सियरी होता है उसके पास H होता नहीं है, इसलिए HCl के फॉर्म में वो बाहर नहीं होगा, मतलब यही रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट नॉट रिएक्ट विद द टर्सियरी. अब इन दोनों में देख लो, एन मिथाइल एनिलीन मतलब ये सेकेंडरी है, एन डाई मिथाइल एनिलीन ये टर्सियरी है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा और बनाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि एल्कली के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, और 3 डिग्री के लिखना है इट नेवर रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट, और दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, बस यही आपको करना है. अब चलिए इसके आर पार्ट में आते हैं, इसी का आर पार्ट दिया गया है जिसमें कुछ रिएक्शन हैं इनको एक्सप्लेन करना है, चलो उस पर चलते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें पहला है CH3Br, इसका KCN से रिएक्शन कराना है, KCN से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CN. उसके बाद इसका LiAlH4 से रिएक्शन मतलब रिडक्शन कराना है, और जब CN का रिडक्शन कराते हैं तो बनता है CH3CH2NH2. उसके बाद इसका रिएक्शन है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है डाइएजोनियम सॉल्ट, और जो डाइएजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनता है एलिफैटिक वाला वो अनस्टेबल होता है, इसलिए डायरेक्ट वो कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, इसलिए C आपको बनाना होगा एल्कोहल 2 कार्बन का, इसलिए बनाओगे CH3CH2OH. सेकेंड वाला है ये एसिड है, इसका अमोनिया के साथ आपको हीटिंग भी करनी है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, दोनों स्टेप एक साथ दिया गया है,
तो पहले जब एन एच थ्री यहाँ पे लगाओगे तो बना लेगा एन एच फोर, तो जब इसकी हीटिंग करोगे तो यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, इसलिए बनता है अमाइट। तो यहाँ पे जो ए बनेगा वो होगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू। ठीक, अब जो अमाइड होता है उसका रिएक्शन जब बी आर टू के ओ एस से कराते हैं तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जिसमें अमाइड अमाइन में कन्वर्ट होता है क्योंकि सी ओ ग्रुप यहाँ से हट जाता है, तो बी आपका बन लेगा सी एस थ्री एन एच टू। अब ये सी एस सी एल थ्री एन ओ एच ये आपका रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है, तो इसको आइसोसाइनाइड बनाना है इसलिए सी एस थ्री एन सी बन जाएगा। ये हो गया इसका पूरा रिएक्शन। अब चलिए बी पार्ट पे, जहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको दो रिएक्शन, जिसमें एक है सैंडमेयर रिएक्शन और एक है कपलिंग रिएक्शन। चलो इनको देखते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास कोई भी डायोजोनियम सॉल्ट होता है एन टू प्लस सी एल माइनस, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सी यू सी एल एच सी एल के साथ और यहाँ पे हेलोजिनेशन कर देता है, मतलब कि यहाँ पे लग जाएगा सी एल। यही है सैंडमेयर रिएक्शन। जो सी यू सी एल है वहाँ पे सी यू टू सी एल टू भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में भी क्या होता है, जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वो रिएक्शन करता है किसी भी, जो कपलिंग रिएक्शन है इसमें भी डायजोनियम सॉल्ट होता है जो रिएक्शन करता है नाइट्रो कंपाउंड के साथ या फिर फिनाल के साथ या टालोइन के साथ और बनाता है एक डाइज, उसे कपलिंग रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ये हमने ले लिया एक डाई एजोनियम सॉल्ट और इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं फिनाल के साथ। तो फिनाल में जो पैरा वाला हाइड्रोजन होता है वही इस सीएल के साथ एससीएल के फॉर्म में बाहर होगा, दोनों इस एजो ग्रुप के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो बनेगा क्या, ये पहला बेंजीन, ये वाला डाइजोनियम सॉल्ट वाला, फिर एन डबल बॉन्ड एन, फिर दूसरा रिंग ये फिनाल वाला, यहाँ पे ओएच लगा रहेगा, यही आपका प्रोडक्ट आएगा। इसी को डाई एजो प्रोडक्ट बोलते हैं जो कि कलर्ड होता है, इसलिए इसको एज अ डाइस हम लोग यूज कर लेते हैं। ये तो हो गया 32। अब हम लोग चलते हैं 33 पे, इसमें क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो ए पार्ट है, द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज इसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। तो कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इसको एक्सप्लेन करना है और आपको रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पहले मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और यही बिहेव करता है इस रिएक्शन में एज अ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट के कोई रिएक्शन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता ही नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जो प्योर आयरन होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, जो इम्प्योर आयरन होगा वो कैथोड की तरह, और इन्हीं दोनों कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगा जिससे रस्ट फॉर्म होता है। तो जो एनोड होगा उस पे जो आयरन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बनाता है Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन एनोड पे हुआ है। और जो कैथोड है वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इसके प्रोटॉन को यूज करता है इस कार्बोनिक एसिड के, और कन्वर्ट होता है ये वाटर में। तो जो O2 होगा ये 4H+ को यूज करेगा और बनाएगा दो मॉलिक्यूल वाटर का, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, अब यही आयरन इस वाटर को यूज कर लेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रस्ट बन जाता है। तो जो Fe2+ है वो एलॉन्ग विद एयर एंड द वाटर विच इज रिलीज एट कैथोड कंबाइन हो जाएगा और बना देता है Fe2O3। दिस वन इज द रस्ट, और यही पूरा प्रोसेस होता रहेगा। ये रिएक्शन एनोड का है, ये रिएक्शन कैथोड का है, इसको याद रखना। आपसे पूछेगा कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बोल देना H2CO3, एनोड बोलना प्योर आयरन, कैथोड बोलना इम्प्योर आयरन। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। इसका बी पार्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे रिएक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। पहले ई नॉट सेल चाहिए, जिसको हम लोग लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, नेगेटिव वाला एनोड होगा, तो 0.8 में आपको ऐड करना है 0.25, तो ये हो जाएगा 1.05, ये यूज करना है। एन देख लो यहाँ पे, इसके ऊपर एक चार्ज है, इसके ऊपर दो चार्ज, यहाँ पे जब चार्जिंग बैलेंस करोगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, इसलिए एन की वैल्यू 2 यूज करनी है। तो 2 9 6 5 00 और 1.05 ये आ जाएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 26 और 50, ये जूल पर मोल मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये है डेल्टा जी। अब इसी को यूज करके आपको केसी बताना है, तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। यहाँ पे वैल्यू जब यूज करोगे माइनस 202650
माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314 हम लोग यूज करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे देगा नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब बात होगी तो आपको 298 लिखना होता है और केसी आपको कैलकुलेट करना है। इन सबको ला के पहले यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35.51 और ये है लॉग केसी। तो जब यहाँ से आप केसी निकालोगे तो इसका करना पड़ेगा एंटी लॉग, और जब इसका एंटी लॉग आप करते हो तो आंसर मिल जाएगा आपको 3.2 × 10^35। दिस वन इज द आंसर, ऐसे करते हैं इसको। चलिए अब इसके आर पार्ट पे आते हैं हम लोग। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड देयर आर टू पॉसिबल एनोडिक रिएक्शन, यहाँ पे दो एनोडिक रिएक्शन दिया गया है। विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड वाई, अब यहाँ पे देख लो जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वही रिएक्शन एनोड पे होता है, या फिर अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है पॉजिटिव 1.03, ये है पॉजिटिव 1.08, तो ये रिएक्शन आपका एनोड पे होगा, दूसरा वाला होगा कैथोड पे, ठीक है। इसी का बी पार्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी प्लेटेड आउट ऑन द सर्विंग ट्रे बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 1 यूज करना है, पीरियड ऑफ 8 आवर एट द करेंट ऑफ दिस एम्पियर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रे इफ द थिकनेस ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग इज दिस, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कई चीज इसमें एक साथ मिक्स करके इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होगा कि कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर उसी से हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे W इक्वल टू एम आई टी वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। तो यहाँ पे M की वैल्यू 108, I है यहाँ पे 8.46 और टाइम है 8 घंटे, तो 8 × 60 कर दिया तो मिनट हो गया, 60 और कर दिया तो सेकेंड हो गया। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 बोला इसलिए 1 यूज करना है और 96500, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 272.68 ग्राम। तो इतना ग्राम आपका पूरा सिल्वर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको आगे यूज करना है प्लेटिंग के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो डेंसिटी है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने से फिर आगे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी, तो यहाँ पे 272.68 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10.5 से, आंसर आपको मिल जाएगा 25.97। अब ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है, यानी वॉल्यूम मिल गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे तो पूरा जो वॉल्यूम होगा इस सिल्वर का इतना ही यूज करना है, जिसमें इसकी थिकनेस उसने पहले से बोल रखी है और एरिया पूछा हुआ है। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हो, L इंटू बी इंटू एच, जहाँ पे इसकी थिकनेस एच होगी जो कि दिया हुआ है, और L इंटू बी एरिया है जो आपसे पूछा गया है। ये पूरा वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर है, और एरिया बताने के लिए इसी को आपको क्या कर देना है, थिकनेस से डिवाइड कर देना है। तो थिकनेस से इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको जो L इंटू बी की मतलब कि एरिया की वैल्यू मिल जाएगी वो होगा 10224.4 cm², मतलब इतना स्क्वायर एरिया ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोप्लेट कर देगा। तो ये तो पूरा हो गया पेपर, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।